स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कसिंग अबाउट द बिल्डिंग हेल्थ स्किल्स एंड कल्चर्स। और उसमें से जो लास्ट टॉपिक है अब हमारा, वो अब हमें देखना है कि उसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें जो है वो हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। सो नाउ द लास्ट वन इज़ द एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंसेस, के नतीज क्या होंगे, हम उनको कैसे देख सकते हैं। हाउ डू यू डिटर्मिन वट हेल्थ चॉइसेस आर राइट फॉर यू, आपको कैसे पता चलता है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सी तरजीहात जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमें करनी चाहिए। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर हेल्थ, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं विच इंक्लूड योर नॉलेज, वैल्यूज़, फिर उसके बाद आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं और डिज़ायर्स, ख्वाहिशात क्या हैं। दे आर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसिस एंड योर परस्पेक्टिव ऑन लाइफ। यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर योर इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस विच कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज इंक्लूड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स, आपके दोस्त, अहबाब, आपके फ्रेंड्स, वो सारा कुछ। योर इन्वायरमेंट, योर कल्चर, लॉज एंड द मीडिया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक्सटर्नली हमारी हेल्थ को करती हैं। एज यू बिकम अवेयर ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस, यू विल बी बेटर एबल टू मेक हेल्थफुल चॉइसेस अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम योर पर्सनल बिहेवियर टू विच हेल्थ प्रोडक्ट्स यू बाय। ये मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसलिए खरीद लेते हैं कि उसका ऐड बड़ा अच्छा था। अब चाहे उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ है या नहीं है, ओनली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया हम उन चीज़ों को परचेज़ करते हैं, या कुछ चीज़ें हम इसलिए परचेज़ कर लेते हैं या खाना पीना शुरू करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग करते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें हैं या नहीं हैं हम ये भी नहीं देखते। ठीक है, देन उसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट वन है, दैट इज़ असेसिंग द इंफॉर्मेशन, के लर्निंग हाउ टू फाइंड एंड रिकॉग्नाइज ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन will help you to be better prepared to make healthful choices। क्या आपको पता हो चीज़ों के बारे में, नॉलेज हो तो आप हेल्थफुल चॉइसिस कर सकते हैं। When developing evaluation criteria for helpful information, remember to check the validity of their sources। कि आप जिस चीज़ जगह से, बाद हम नेट से सर्च करते हैं चीज़, पहले उसकी वैलिडिटी देखें, वो चीज़ वैलिड भी है। Keep in mind that reliable sources of health information include, क्या चीज़ें आती हैं, parents, जो आपके guardians होते हैं वो, and other trust adults, ऐसे लोग इनके ऊपर आप एतमाद कर सकें, उनकी बात जो होती है वो काबिल एतमाद होती है। फिर literally resources such as encyclopedias हैं, non functional books हैं, उसके बाद जो है वो science या और medicines की जो book हैं, या nutrition और इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आप इनको इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं ऑन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आर्टिकल्स बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स